दोस्तों। तो ये वीडियो जो है नॉट फॉर द प्रॉफिट वीडियो है, और ये केवल कैंसर पेशेंट के लिए और उनकी फैमिली के लिए डिवोटेड है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे ब्रदर को कैंसर हुआ था, काफ़ी परेशान हुए थे उस टाइम, क्योंकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी टाटा के बारे में। तो टाटा के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। टाटा का बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, किस रेलवे स्टेशन के पास में है मुंबई में, क्या खाना पीना रहना खर्चा ठीक है, और पेशेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, कितनी सारी कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हर किसी के माइंड में आते हैं। मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी एक क्वेश्चन छूट ना जाए। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आता है कि आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर का इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जहाँ का ट्रीटमेंट माना जाता है बहुत अच्छा है, और है भी, मैं खुद देख के आया हूँ। टाटा मेमोरियल सेंसर कैंसर हॉस्पिटल जो है मुंबई में है। टाटा मेमोरियल के पास मुंबई में नियर है दादर रेलवे स्टेशन, और दादर रेलवे स्टेशन के पास आगे थोड़ा सा है CST, छत्रपति शिवाजी स्टेशन, और ये थोड़ा दूर है। तो आपको सिर्फ केवल CST न जाकर दादर रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाना है, और देख लेना है, चेक कर लेना कि आपकी ट्रेन दादर रेलवे स्टेशन जाती है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत दूर पड़ जाता है। तो दादर रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे पास है टाटा के, और ये जो टाटा है, टाटा का सबसे पास में दादर रेलवे स्टेशन है, और आपको CST की तरफ नहीं जाना। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो एक लाइन लगा के टाटा की जो बसेस आती हैं वो मिलेंगी। वो 5 से 10 रुपये में आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल छोड़ देगी, केवल 5 से 10 रुपये में। आपको टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और AC गाड़ी मिलेगी पूरी पूरी, है ना। तो ये टाटा की जो बस आ रही है उसमें देख लेना, उसमें टाटा लिखा रहता है, अदरवाइज़ आप दूसरी बस में बैठ जाओगे, है ना। टाटा की खुद की वहाँ पर बस चलती है, फुल AC बस चलती है, जो 5 से 10 रुपये में आपको टाटा मेमोरियल छोड़ देंगी। तो जैसे ही आप मुंबई दादर पहुंचे, से बस से लेके आप टाटा पहुंच गए, ठीक है। तो अब आप टाटा मेमोरियल पहुंच गए हैं। अब टाटा मेमोरियल में आप अपने पेशेंट को दिखाते हैं कैंसर किस टाइप का कैंसर है, ये सब चीज़ आपको पता होगा पहले से। आप एक बार इनिशियल डायग्नोस तो करा के जाते ही हैं सब लोग वहाँ पे। तो टाटा मेमोरियल में दो प्रकार की बिल्डिंग है ना, एक है होमी भाभा और दूसरे गोल्डन जुबली बिल्डिंग। अब देखना, दो बिल्डिंग है, इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो एक है होमी भाभा की बिल्डिंग और दूसरी है गोल्डन जुबली बिल्डिंग। होमी भाभा की जो बिल्डिंग है ये जो है ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब क्या है, टाटा की दो बिल्डिंग है, मतलब दो दो जगह टाटा ही हॉस्पिटल में दो जगह इलाज होता है, एक होता है प्राइवेट में और दूसरा होता है ट्रस्ट में। गवर्नमेंट नहीं है, ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट में जो दूसरी बिल्डिंग है गोल्डन जुबली, ये बिल्डिंग जो हैं आपस में ऐसे कनेक्ट हैं, एक बिल्डिंग मान के चलो ये है तो इसके बीच से एक रास्ता जाती है और दूसरी बिल्डिंग ये है, दोनों को कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसका इनिशियल रास्ता अलग है और इसका अलग है। अगर कोई जांच के लिए जाना पड़ता है तो ये लोग ऊपर से अंदर से अंदर बाहर से एक दूसरे में बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन आपको बाहर से जाना है तो पहले आपको या तो इस बिल्डिंग में जाना तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और इस बिल्डिंग में जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये वाली मान के चलो होमी भाभा हो गई, होमी भाभा हो गई, तो ये गोल्डन जुबली हो गई, ये होमी भाभा बिल्डिंग हो गई, ये गोल्डन जुबली बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो होमी भाभा में अगर आपको प्राइवेट में दिखाना है, प्राइवेट में दिखाने का मतलब है कैंसर के ट्रीटमेंट के इलाज का सारा पैसा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है वैसे ही पैसा आपको यहाँ पे भी लगेगा, इसलिए क्लियर कट रखना। क्योंकि आपका एक बार आपने अगर यहाँ पे फाइल बनवा ली तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि शुरू का इलाज मैं यहाँ पे करा लेता हूँ। देखो, जैसे कि कैंसर वाले हॉस्पिटल में लोग बताते हैं, वहाँ के डॉक्टर डॉक्टर ने पहले ही हमें क्लियर कर दिया था कि आप डिसाइड कर लो कि आपको किस बिल्डिंग में जाना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मान के चलो 10 से 12 लाख रुपये, वैसे 8 से 10 लाख रुपये खर्चा आता है मैक्सिमम, एवरेज आता है किसी भी कैंसर पेशेंट का, 8 से 10 लाख या 12 भी हो जाता है किसी का, ज्यादा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अपन 10 लाख एवरेज मान के चल रहे हैं। अब 10 लाख तक का खर्चा, तो आपने कहा मेरे पास 5 लाख हैं, तो एक काम करते हैं 5 लाख तक पहले प्राइवेट में कराते हैं और फिर ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसा वो अब अलाउ नहीं करते, पहले करते थे लेकिन अब वो अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको डिसाइड कर लेना कि 10 लाख का पूरा खर्च मैं उठा सकता हूँ तो ही प्राइवेट में जाना, अदरवाइज़ आप यहाँ ट्रस्ट वाली बिल्डिंग में जाइए। यहाँ आपसे ओपीडी स्लिप बनेगी, यहाँ की ओपीडी अलग बनेगी और यहाँ की ओपीडी अलग बनेगी। ओपीडी मतलब इनिशियल इनिशियल फाइंडिंग, जो पहली बार आप डॉक्टर से मिलोगे वो पूरी फाइल चेक करेगा आपकी, ये सब होगा। तो यहाँ पे करोगे तो आपको एक फ़ायदा ये है कि प्राइवेट में टाइम कम लगेगा, प्राइवेट
प्राइवेट में टाइम कम लगेगा, आपको डॉक्टर जल्दी मिल जाएंगे, आप जल्दी एडमिट हो जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनिशियल फाइंडिंग में आपकी सारी रिपोर्ट जांच वो फिर से करेंगे, जो भी आपकी जांच हो चुकी हैं वो डॉक्टर्स, अगर कोई क्योंकि बाहर की तो मानते नहीं वो, है ना, तो वो सारी जांच फिर से करेंगे। तो लगभग 15 20 से 25 दिन तो लग ही जाते हैं आपको आपके ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले, है ना। तो ये पूरी 20 से 25 दिन की व्यवस्था लेके चलना पड़ता है कि आप 1 महीने तक वहाँ पर रुकेंगे, स्टे करेंगे। तो ये सारी चीज़, अब स्टे कहाँ करना है, खाना पीना मैं आगे बताऊँगा, है ना। तो एक ये बात हो गई 20 से 25 दिन का। तो मैंने क्या बताया था, अभी होमी बिल्डिंग में प्राइवेट है और ये पूरा खर्चा आपको खुद उठाना उठाना पड़ेगा, जितना भी खर्चा आएगा इस पर, जितने भी स्पेंड होंगे इस पर, ठीक है। और दूसरी होती गोल्डन जुबली बिल्डिंग, जहाँ आप जाओगे तो ओपीडी बनेगा आपका, आपको चूंकि ओबीसी सी बात है ट्रस्ट का है, तो लोग मैक्सिमम लोग जो हैं लोअर मिडिल फैमिली वाले तो वो यहीं पर जाते हैं, तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है। अब चूंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आपका टाइम, आपका नंबर आने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ऐसा नहीं कि आ ही नहीं रहा है, आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे अगर यहाँ कोई काम 5 दिन में हो रहा था तो यहाँ पे 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा इतना टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भीड़ रहती है और प्लस इसमें से 60 to 70% जितना आपका टोटल कॉस्ट रहेगा उसका 60 से 70% ट्रस्ट देता है, बाकी आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 पैसे में हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। आपको 60 to 70% ट्रस्ट के थ्रू पैसा मिलता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे ही आप दोनों बिल्डिंग में से किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे तो आपका एक कार्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा एक कार्ड बनता है, सबसे पहले जैसे आप जाओगे, आप ओपीडी के लिए रजिस्टर कराओगे, फीस भरोगे, तो आपका एक छोटा सा कार्ड बनेगा, एटीएम जैसा रहता है, उसमें आपके आपको अपना बैलेंस डालना पड़ेगा, आप उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। क्योंकि कहीं भी कोई भी काउंटर पे जाओगे तो कैश में पेमेंट नहीं होती है, ना तुम कार्ड से कर सकते हो, केवल इन्हीं के कार्ड से। तो पहले अपने एटीएम कार्ड से रिचार्ज करना पड़ेगा इनके एटीएम में, छोटा सा एटीएम टाइप का रहता है, उसमें आपके पैसे सेफ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, और रिफंड भी हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप बच गए तो रिफंड हो जाएंगे। तो आप इसमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तो आपको रखना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि 10 10 हज़ार रुपये 20 20 हज़ार रुपये की जांच तो हो ही जाती है आपकी। तो अगर अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं है तो आप कहीं दूसरी बिल्डिंग में बोला उन्होंने कि ये जांच करा के ला, तो वहाँ पे गए और पता चला पैसे नहीं रहे, तो फिर आपको यहाँ इस बिल्डिंग में आके पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो वो बहुत टाइम और बहुत, मतलब एक तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो चलते फिरते ही आपको बहुत थकावट हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अकेले पर्सन हो, मैं हम लोग तो फैमिली से थे, कुछ कुछ का जो वर्क था हम लोग डिवाइड कर लेते थे, लेकिन फिर भी बहुत परेशान हो जाते थे, ऊपर नीचे, इधर भागो उधर भागो, भाग दौड़, मतलब आप मेंटली भी थक जाएंगे, फिजिकली भी थक जाएंगे, ऐसा है, ये बात रियलिटी है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने की ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो परेशानियाँ हम लोगों ने फेस की हैं, मैं नहीं चाहता कोई कैंसर पेशेंट या उनके परिवार के लोग इस चीज़ को फेस करें। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने, इसलिए मैं एक भी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना, मेरा पर्पस यही है। तो हो गया, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। और आगे एक वीडियो क्लिप आएगी जिस जो मैंने वहाँ पे शूट की थी, जब मैं वहाँ पे टाटा मेमोरियल में था, तो एक छोटी सी क्लिप है, और उसमें मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे, यंग एज के, ओल्ड एज के, हर टाइप के पेशेंट हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आप डर जाएं कि यार मुझे कैंसर क्यों हुआ, कम उम्र में क्यों हुआ, इतनी ज़्यादा उम्र में क्यों हुआ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आप अकेले परेशान नहीं हो, कितने सारे बच्चे लोग परेशान हैं, और हो सकता है आपसे ज़्यादा कंडीशन की ख़राब है। और मैंने देखा, जब मैं घर पर डर रहे थे हम लोग कि भैया को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँची तो हमने इतने छोटे छोटे से बच्चे देखे कि यार, मतलब वो कोई 8 महीने का, कोई 9 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, इतने छोटे छोटे बच्चे, और कुछ 80 80 साल के, उन लोगों को भी कैंसर है और वो उससे फाइट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे कैंसर पेशेंट से, अगर आपको डिटेक्ट होता है तो डरने की बात नहीं है, आपका फोकस अब उसके ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, ना कि डिसीज़ पे होना चाहिए। और यही चीज़ मैंने अपने भाई को समझाई थी कि आप डिसीज़ तो है, डायग्नोस हो गई वो है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ाइए। तो ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे तो सब कुछ काम आसान हो जाता है। हालांकि ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है इसका, और लंबा चलता है और पेनफुल है, लेकिन ट्रीटमेंट है, और अगर आपके इस पेन से अगर आपको एक लाइफ मिल सकती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।
टाटा हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात इन मैडम से हुई जो बच्चों की विशेष को पूरा करती थी। रोज़ आती थी ये टाटा में और बच्चों की विशेष को एक फॉर्म में लिखती थी, उनके नाम लिखती थी और जो भी उनसे पॉसिबल हो पाता था वो विश को वो पूरा करने की कोशिश करती थी। तो ये मैडम थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी टाटा हॉस्पिटल में, और ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और लगातार काम कर रही हैं, एक दिन दो दिन नहीं, करीब एक साल से ये काम कर रही हैं, बच्चों के साथ रहती हैं और उनकी विशेष को पूरा करती हैं। तो वहाँ रहने का खर्च और खाने का खर्च क्या है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रहने के ऊपर बात करते हैं, तो रहने के लिए आप या तो वहाँ पे रूम, फ्लैट, तीन चीज़ें हैं। देखो धर्मशाला जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुकिंग पहले से ही रहती है ना, बहुत ज़्यादा बुकिंग रहती है पहले से, तो यहाँ पे मिलना मुश्किल होता है, तो शुरुआत में तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो धर्मशाला कम भी है और रहने में बहुत दिक्कत है, तो हम लोगों ने ट्राई किया था, बहुत सारे ढूंढी थी लेकिन कहीं नहीं मिला था, तो फाइनली फिर हम लोगों ने फ्लैट लिया था। फ्लैट नहीं था वो, रूम ही था एक्चुअली, जो रूम हमारा जो रूम था उसमें एक रूम था, लेट बाथ अटैच थी और एक किचन था, और इसका रेंट था 1200 रुपये पर डे, पर डे मतलब एक दिन का 1200 रुपये। जैसे आज सुबह अगर मैंने 10 बजे लिया तो अगली सुबह 10 से 12 के बीच में मुझे वो खाली करना पड़ता, उसको चेकआउट बोलते वो लोग, चेकआउट करते थे तो 12 बजे तक मुझे खाली करना पड़ेगा। अगर मैं 12 बजे तक खाली नहीं कर रहा तो फिर से 1200 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, भले तुम एक घंटा एक्स्ट्रा रह रहे हो वहाँ पे, तब भी आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ का वहाँ का सिस्टम ये है, तो रहना थोड़ा सा क्या बहुत मुश्किल, बहुत थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है कि टाटा जो है पारेल एरिया में है। पारेल एरिया एक पॉश एरिया है मुंबई का, पॉश, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा, और स्कूल वगैरह भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, तो इसलिए ये पॉश एरिया है, तो यहाँ पे महंगाई रहना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और महंगा है। एक तो मिलती नहीं पहले रहने के लिए, इसलिए महंगा भी है। अगर आप होटल में जाओगे तो भी आपको 1200 रुपये पर डे का अगर नॉर्मल लोगे, और 1200 रुपये पर डे में भी ऐसी होटलें हैं कि आप देख के दंग रह जाओगे, इतना सा स्पेस रहेगा और उससे आप 1200 रुपये पर डे का ले लेंगे चार्ज आपसे, बहुत मुश्किल है रहना, बहुत मुश्किल है। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, या तो फ्लैट जैसे मैंने मेरा रूम था वो फ्लैट था, 1200 रुपये पर डे, अगर आपका बजट इतना है 1200 रुपये पर डे का तो आप फ्लैट ले लो, वो अच्छा ऑप्शन है। और एक नंबर मेरे पास वहाँ का अभी तक सेव है मेरे पास, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दे दूंगा और ये फ्लैश में भी आ जाएगा वो नंबर, है ना, तो आप चाहो तो उस नंबर पर कॉल कर लेना, वो अच्छे भैया थे, वो हमारी काफ़ी हेल्प की तुमने, ठीक है। तो फिर तीसरा तरीका क्या है कि आप रूम ले कर रहो लेकिन पारेल एरिया में मत रहो, पारेल एरिया से 8-10 किलोमीटर दूर चले जाओ। तो आप जब पारेल एरिया से 10 किलोमीटर दूर जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे, तो आपको वहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपये में पर मंथ में रूम या फ्लैट मिल जाएगा। 5 से 10 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाता है फ्लैट या रूम मिल जाता है, तो आप लेकिन 10 किलोमीटर दूर जाओ तो दिक्कत ये रहती है। तो आपको अगर पैसे बचाने हैं तो थोड़ा सा दूर एरिया में रह सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो ये हो गया रहने का फंडा, अब मैं बताता हूँ खाने का फंडा। खाने का मैं एक बताऊँ कि नॉर्मल है, जो जितनी भी बिग सिटी हैं और छोटी सिटी है, मेट्रोपॉलिस नहीं है लेकिन फिर भी छोटी सिटी है, वहाँ पे भी खाने का लगभग सपने का सेम ही चलता है, खाने का खर्च सेम ही है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा इतनी भी नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर सको, रहने की अपेक्षा खाना सस्ता ही है ना, तो खाना आप कहीं भी खा सकते हैं आप। और अगर आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट में एक सुविधा ये रहती है कि फ्लैट में जो जिसका ओनर रहता है वो आपको गैस चूल्हा देगा, बर्तन देगा, सारा सामान, मतलब खाना बनाने का सारा सामान आपको देगा, सिर्फ आपको जो मटेरियल जैसे गेहूँ, चावल, मसाला, ये सब बाहर से ले लेना, तो आप नीचे ही मार्केट लगा रहते हैं, बहुत सारे मार्केट नीचे ही लगे रहते हैं, है ना, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं और ख़ुद खाना बना सकते हैं अपना, है ना। बाकी बर्तन भाड़ा, गैस स्टोव, हर चीज़ वो तुम्हें फ्लैट में ही प्रोवाइड करते हैं वो लोग, तो ये अच्छा ऑप्शन है। हम लोग ऐसे मैं खाना बनाता ही हूँ वैसे भी, तो हमें अपने भाई के लिए हम लोग खाना बनाते थे और बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये ऑप्शन है आपके लिए, खाना भी हो गया, रहना खाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन बचते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो ला दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँ और ये लोग परेशान ना हो पाएँ, क्योंकि वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं और ये सारी चीज़ें और परेशान कर देती हैं आपको, हमारी फैमिली को और हमारे पेशेंट को। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे मेरी वीडियो बढ़े, इसलिए कि ये लोग परेशान ना हो, तो आप सोशल मीडिया पे इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करिए, ताकि अगर कोई भी फैमिली मेम्बर जो इस परेशानी से गुजर रहा है उसको आसानी हो जाए यार, क्योंकि ये सब बहुत, ये काम बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं भूख चुका हूँ, ऐसा कह सकते हैं, हम लोग भूख चुके हैं तो हम लोगों को पता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।